आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आरएम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अर्नव और अमन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अर्नव भूत प्रेत में यकीन रखता था, लेकिन अमन को इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन अमन ने अर्नव से कहा, तुझे ये भूत प्रेत पे भरोसा है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, अब मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, मुझे तो यकीन है, तुझे नहीं है तो ना सही। अमन ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे कैसे, जब भूत वूत जैसा कुछ है ही नहीं तो इन बातों पर यकीन ही क्यों रखना? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मैं तुझे आज साबित करके दिखाऊंगा कि ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। आगे उसने दो पल सोच कर कहा, हाँ वो कॉलेज से थोड़ा आगे कब्रिस्तान है ना, मैं आज की पूरी रात वहीं बिता के दिखाऊंगा। ये सुनकर अर्नव ने कहा, पागल हो गया है क्या? वहाँ जाना वो भी रात को, ये तो सामने से मौत को दावत देने जैसी बात है। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? अमन ने कहा, ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा, और वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अर्नव के लाख मना करने पे भी अमन उस रात कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रात को अंदर जाना मना है। अमन वो लिखा हुआ पढ़कर भी उसे अनदेखा करके अंदर चला गया। अमन ने कब्रिस्तान में लगे बड़े से लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। वो दरवाज़ा पुराना होने की वजह से बहुत ही भयानक आवाज के साथ खुला। अमन ने कब्रिस्तान में कदम रखा और दरवाजा साथ ही साथ उसी भयानक आवाज के बंद हो गया। अमन कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने आसपास नजर घुमाई। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, बस वहां एक छोटा सा लैंप लगा हुआ था जिससे लैंप के आसपास की ही कुछ चीजें देखी जा सकती थी। हवा की वजह से पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वहाँ इतना सन्नाटा था कि कहीं दूर कुत्ते रो रहे थे, उनकी आवाज़ भी साफ अमन को सुनाई पड़ रही थी। चारों ओर जूनी पुरानी धूल लगी कब्रें थीं। कई कब्रें नई बनी थीं, तो वहीं कई कब्रें तो टूट चुकी थीं, और कहीं कहीं पे कब्र बनाने के लिए गड्ढा खुदा हुआ था। वहाँ का नज़ारा शरीर को कंपा देने के लिए काफ़ी था। अमन चारों ओर देखे जा रहा था, तभी उसे खुद के आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर एक छोटी बनी कब्र पर पड़ी। उस कब्र के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था। अमन ने अपने आप से कहा, बच्चा, वो भी यहाँ इतनी रात को, लगता है गलती से आ गया होगा, इसकी मदद करनी चाहिए। अमन उस लड़के के पास गया। वो लड़का मैले फटे कपड़े में एकटक उस छोटी सी कब्र को देखे जा रहा था। अमन को अंधेरा होने की वजह से वो लड़का साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसने उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा? अमन के पूछने पे भी उस लड़के में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे उसने अमन की बात सुनी ही ना हो। कोई जवाब ना मिलने पर अमन ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम हो कौन और यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हो? इतना पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब की बार अमन थोड़ा जोर से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो बच्चा अमन की ओर मुड़ा। बालों में मिट्टी लगी हुई, आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और जैसे खून ही ना हो वैसा शरीर। उस लड़के को देखकर ही अमन के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस बच्चे ने अपना हाथ उठाकर उंगली से जिस कब्र को वो देख रहा था उस तरफ इशारा कर दिया। अमन कुछ प्रतिभाव दे पाए उससे पहले ही वो बच्चा
काले धुएं में तब्दील होकर एक पल में उस छोटी सी कब्र में समा गया। अमन ये देखकर दंग रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उसे ये जरूर एहसास हो गया था कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। वो बस अब जल्दी से जल्द इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहता था। वो वहाँ से घबराकर जल्दबाजी में भागा। अमन अभी बहुत सारी कब्रों के बीच था, तभी अमन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अमन दो पल को वहीं रुक गया। अचानक ढेर सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें इतनी तेज और भयानक थी कि अमन ने अपने कानों पर अपने हाथ से कसकर अपने कानों को बंद कर दिए। वो वहाँ से जैसे तैसे निकला। थोड़ा आगे जाते ही वो अचानक किसी चीज़ को देखकर मानो अपनी जगह पर जम ही गया, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा मिट्टी से सना और बालों से ढका हुआ था। धूल मिट्टी और पुराने होने की वजह से फटे कपड़े पहने हुए थे, जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था। वैसी औरत अमन के सामने खड़ी थी। उसने अमन को देखकर अपना हाथ उठाकर अमन की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अमन को ये देखकर पसीने छूट गए। उसका गला डर से सूख गया था और वो देखते ही देखते वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। जब उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसे रात के हुए हादसे की वजह से बहुत तेज बुखार आ गया था। उस रात के बाद अमन जो भी चीज़ से नहीं डरता था, आज उसकी धड़कन छोटी छोटी उन चीज़ों से बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पिछले डेढ़ घंटों से मेरी ट्रेन एक खाली सुनसान जगह पर रुकी हुई है। दो तीन बार ट्रेन से उतरकर मैंने पूछताछ भी की तो पता चला कि ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी है, जिसे बनने में फिलहाल थोड़ा समय लगेगा, पर इतना समय लग जाएगा इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। खैर, मेरे बस में तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी चिंता भी हो रही थी कि मैं किस मनहूस घड़ी में ट्रेन में चढ़ा। तकरीबन और आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद, यानी पूरा दो घंटा ज़ाया करने के बाद, ट्रेन खुली और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरी जान में जान आ गई कि चलो कम से कम अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर के सफ़र के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी जहां मुझे उतरना था। ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा तो आसपास का नज़ारा देखकर कुछ पलों के लिए मैं सुन्नसा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी स्टेशन पर उतरा हूँ या फिर किसी कब्रिस्तान में, क्योंकि आसपास मेरे अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था, और तो और उस ट्रेन से उतरने वाला भी मैं अकेला ही था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर रास्ता मिलते ही मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी नज़ारा स्टेशन के अंदर जैसा ही था। खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। मैं किसी आदमी की तलाश में आगे बढ़ता रहा, मगर उस रास्ते पर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक नज़र जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ खालीपन ही दिख रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक रोशनी नज़र आने लगी। उस पीली सी रोशनी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो लालटेन की रोशनी है, पर इस सुनसान रास्ते पर वहाँ लालटेन किसने जलाया होगा,
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर जो भी हो सकता है वहां जाकर मुझे कोई आदमी मिल जाए। यही सोचकर मैं उस रोशनी की तरफ चल दिया। उस रोशनी के थोड़ा और पास पहुंचने पर मुझे ज्यादा नजर आने लगा तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे जल रही उस लालटेन के पास एक आदमी बैठा हुआ है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तेज कदमों से चलकर उस आदमी के पास जाकर रुका तो पाया कि वो आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी को आवाज देकर उठाया। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी घबराते हुए उठा और बोला, कौन है? इस पर मैंने बोला, जी वो मुझे पुरानी मस्जिद के पास जाना है, तो आप जरा बता सकते हैं कि वो कितनी दूर होगा और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मेरी पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पुरानी मस्जिद? बाप रे बाप, वो तो काफी दूर है। आपको एक स्टेशन बाद उतरना चाहिए था, आप पहले उतर गए। रात में तो अभी आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी चिंता में पड़ गया। एक तो ये अनजान जगह है, ऊपर से इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, आज ही पहुंचना जरूरी है क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास एक जगह है जहां आप रात भर रह सकते हैं। ज्यादा भाड़ा नहीं है उस जगह का, बस चाय पानी के लिए 100 रुपए दे दीजिएगा मुझे। मुझे लगा यही ठीक रहेगा, कम से कम इस अंधेरी रात में चलना तो नहीं पड़ेगा और सुरक्षित भी रहूंगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया, जिस पर उस आदमी ने जमीन पर पड़े लालटेन को अपने हाथ में उठाया और मुझे उसके पीछे चलने के लिए कहा और खुद रास्ते के किनारे जंगलों के अंदर जाने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस घने जंगल के अंदर कौन सा घर होगा, पर चूंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था लिहाजा मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर उस आदमी के पीछे पीछे जंगलों के अंदर जाने पर हम दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर काफी छोटा था और उस घर की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ कोई रहता भी है? घर की हालत देखकर तो लग नहीं रहा, और ये घर आप ही का है क्या? मेरी इस बात पर उस आदमी ने कहा, जी ये मेरा ही घर है। वो क्या है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना जंगल में, तो गंदगी फैल जाती है, बाकी घर अंदर से पूरा साफ है। मैंने सोचा कोई और उपाय तो है नहीं, गंदा भी होगा तो भी रहना ही पड़ेगा। खैर वो आदमी मुझे घर के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी उस आदमी के पास थी। उसने ताला खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो घर बाहर से जितना गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो घर अंदर से बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर में एक खाट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप काफी थक गए हैं, सो जाइए। इतना कहकर वो आदमी अपनी लालटेन को उस कमरे की एक दीवार पर लटका कर वहां से जाने लगा तो मैंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। उसके जाते ही मैंने भी दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पास वाली खिड़की को मैंने खुला रखा हुआ था क्योंकि मौसम गर्मियों का था तो कमरे में थोड़ी हवा आएगी, जिसके बाद मैं खाट पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी।
जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में रात के 10 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था 11 बजे का। हालांकि मैं काफी थका हुआ था, मगर फिर भी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तलक कुछ भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। आम तौर पर तो मैं इतने बजे तक सो जाता हूँ, फिर आज ये क्या हो गया है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। पहले पहले तो वो आवाज़ मुझे समझ में ही नहीं आई, पर जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई औरत गाना गुनगुना रही है। पर इतनी रात गए यहाँ इस जंगल में कोई औरत क्यों आएगी, मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था। पर आवाज़ तो सच में आ रही थी और यहीं कहीं आसपास में से आ रही थी। मैंने सोचा एक बार उठकर देखना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मगर हैरानी वाली बात कि वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा, मगर वहाँ सच में कोई नहीं था। मजबूरन इसे अपने मन का वहम मानकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करके खाट पर लेट गया। पर पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे अब ठंड लगने लगी थी, ऐसी ठंड जो सर्दियों में भी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, गर्मी के मौसम में इतनी तेज ठंड क्यों लग रही है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मगर इतनी जल्दी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, ये भी एक सवाल था। अभी मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर गई तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस खिड़की के ठीक बाहर खुले बालों में कोई औरत खड़ी थी। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, मगर उसके हवा में लहराते खुले लंबे बालों को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। अभी मैं हैरानगी भरी नज़रों से उस औरत को देख ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर जल रही लालटेन की लौ एकदम से बुझ गई। मगर ये कैसे हुआ, उस वक्त कमरे के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही थी, फिर लालटेन बुझी कैसे, सब कुछ मेरी समझ से परे था। लालटेन बुझने के बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। तभी अचानक मुझे मेरे सीने पर किसी का भार महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो, मगर कौन, अंधेरे में ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस बला से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरे सीने पर भार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा था, मेरे सीने पर से भार वैसे वैसे कम होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सीने पर से भार पूरी तरह से खत्म ही हो गया। वजन हटते ही मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और जो दौड़ लगाई तो सीधे वहीं रुका जहां एक दो लोग दिखे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो घर शापित है, किसी औरत के चलते वो घर ऐसा हो गया है, वहां एक रात से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता और वो आदमी लोगों से पैसा लूटने के लिए मजबूर लोगों को उस घर में ले जाता है। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि पुरानी मस्जिद यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।